करनाल में लॉकडाउन के दौरान भी चोरी की वारदातें थम नहीं रही हैं। आपको बता दें कि सेक्टर 4 पार्ट 2 इलाके में चोरों ने एक घर को निशाना बनाया है। चोर लाखों रुपए की ज्वेलरी और कैश लेकर फरार हो गए। पुलिस और एफएसआई की टीम जांच में जुट गई है। लॉकडाउन में भी चोरों के हौसले बुलंद हैं और चोरी करने का कोई भी मौका चोर छोड़ नहीं रहे हैं। करनाल के सेक्टर 4 पार्ट 2 में चोरों ने तसल्ली से घर को निशाना बनाया और फिर चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। चोर लाखों रुपए की सोने और चांदी की ज्वेलरी साथ ले गए। आपको बता दें कि घर में नई नई शादी हुई थी तो ज्वेलरी घर में ही रखी हुई थी। वहीं 1 लाख रुपए से ज्यादा का कैश भी चोर लेकर फरार हो गए हैं। चोरी की जांच करने के लिए मौके पर पहुंची पुलिस और साथ ही एफएसएल की टीम को बुलाकर भी फिंगरप्रिंट और सबूत जुटाए जा रहे हैं। चोरी के समय घर के सदस्य रहने के लिए अपने दूसरे घर में गए हुए थे और चोरों ने मौका पाकर घर में हाथ साफ कर लिया। लॉकडाउन में हुई अलग अलग चोरियों में पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। अब देखना यह होगा कि कब तक पुलिस चोरों को सलाखों के पीछे डालती है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।